जाय, मन को भाई सदा सुहाय, संगम युग के पावन पल पर। ओम शांति सभी को। यहाँ सुबह 6 बज रहे हैं और आपके पास शाम के 6 बजने वाले हैं, है ना। तो देखो एक ही दुनिया में कैसे अलग अलग चीजें नजर आती है, लेकिन इसमें ये फायदा होता है जब भी हम उठते हैं। कोई कोई बोलता है ना आज देर हो गई, ये हो गया, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो जब भी उठेंगे अमृत वेला होता है। हमारे पास एक भाई थे मधुबन में, वो बहुत मजास टाइम के, मतलब हंसी खुशी में रहते थे। तो बात करते करते बोलते आज तो मैं अमेरिका एक समय से मैंने अमृत वेला कर दिया, ऐसे करके तो आज तो दुबई के समय अमृत वेला क्या। तो अभी हम लोग तो उस समय समझ नहीं पाते थे कि तो हमें इतना छोटे इतना ज्ञान भी नहीं था। तो वो खुशी खुशी में बताता, क्योंकि कभी लेट उठता था ना तो ऐसी बात कर लेता था वो। तो इस प्रकार से इसमें भी हर चीज में एक अगर हम लेना चाहे तो कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है, बाबा देता ही है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आज तो हमारा प्रकाशमणि दादी का विशेष दिन है, विशेष मास है, तो हम आज बातें करेंगे प्रकाशमणि दादी के बारे में। प्रकाशमणि दादी दादी कम थी लेकिन माँ ज्यादा थी, माँ का रूप नजर आता था उनमें। कभी अपने आप को चिपा ब्रह्मा कुमारी नहीं समझती थी और कोई समझते भी नहीं थे, सब दिल से प्यार करते थे और हर एक को लगता था चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे संत महात्मा हो, वो सब माँ माँ ऐसे ही करके पुकारते थे। इतना मतलब दादी उनके प्रति स्नेह रखती थी, प्यार रखती थी। तो एक बार ऐसे ही दादी जी को डॉक्टरेट मिली
सुकोड़िया यूनिवर्सिटी, जो हमारे गवर्नर थे चन्ना रेड्डी जी, उन्हों के प्रयास से। तो दादी को है ना वो ड्रेस पहन के बाबा से, अव्यक्त बाबा से मिला रहे थे। तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी आपको उपाधि कौन सी मिली, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी मिली। तो बाबा ने कहा जो आपको दादी माँ बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ी उपाधि है, उसके सामने कोई उपाधि नहीं है। तो इस प्रकार बाबा प्यार से एप्रिशिएट भी करते थे और समझाते भी थे। और बात तो सही है कि दादी माँ करके लोग इतना दिल से प्यार करते थे, पुकारते थे। तो ऐसे महान विभूति से मेरा मिलना हुआ था। मैं केवल 13 साल का था, छोटा बच्चा था, 1978 में हम लोग, मुझे याद है 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता होगा मैं। तो प्रकाश मनी दादी कोल्हापुर जा रहे थे, कोल्हापुर में एक विश्व शांति सम्मेलन था, मेला था। पहले तो मेले का बहुत रिवाज होता था कि हर शहर में कोई ना कोई मेला हो। उस मेले का उद्घाटन करने के लिए दादी माउंट आबू से अहमदाबाद आएगी, अहमदाबाद से पूना, पूना से फिर सतारा बाई कार कोल्हापुर जा रही थी। तो बीच में करीब 12-1 बजे का टाइम था, तो दादी जी का भोजन का टाइम हो गया। तो दादी जी का ऐसा प्रोग्राम बना कि वह भोजन करे और फिर कोल्हापुर जाए, तो आधा मतलब एरिया कवर हो जाता है इसमें। तो नया नया सेंटर खुला था सतारा में, तो हम एक गांव से 10-15 भाई बहने गए थे। वहां तो पहली बार ही हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट में जाना हो दादी के कारण। तो जब हम वहां गए तो सब लोग इंतजार करे, दादी आ रही, दादी आ रही। अब हम तो छोटे थे, तो दादी कैसी होती है, क्या होती है, अंदर अंदर नहीं एक सोचने का होता है कि कैसी होती है दादी, मतलब क्या होता है दादी, ऐसे ऐसे सोचते थे बचपन में। तो फिर जब देखा दादी जी आई, तो क्लास में ही, मतलब बड़ा फंक्शन नहीं था, अब वो क्लासरूम में भी क्या था, तो बहुत बड़ा तो था ही नहीं भाई, ज्यादा ज्यादा 100 लोग बैठ सकते हैं। तो वही होता है बात भैया, वहां जैसे कुर्सियां तो होती ही नहीं है, हमारे इंडिया में तो ज्यादा लोग होते हैं, तो आगे किसको आगे। अभी हम तो वो छोटे थे, तो हमको सबसे आगे बैठने का जो मौका, और खिसकते खिसकते एकदम दादी के पैर के पास, देखिए दादी के पैर और मेरा मतलब कनेक्शन हो गया, मतलब दादी के पैर मेरे शरीर को टच हो गए, ऐसा मतलब कनेक्शन हो गया। अब मुझे क्या पता कि आगे चल के और भी हमें आगे जाना है करके। तो वो दादी जी का जो प्यार भरा मिलन, अब और एकदम दादी जी के पास बैठने के कारण दादी कैसे मिलती है, कैसे बात करती है, सबको कैसे खुशियां देती है। फिर उसमें दादी जी ने उसी समय पूछा कुमारिया कौन है, तो उसमें 5 कुमारी थे। तो दादी जी ने उठाया और नजदीक बुलाया और सामने बुलाया और बहुत प्यार किया। उसमें से एक दो ब्रह्मा कुमारी भी बने, वो जो छोटी समय की बचपन की बात है। तो दादी का पहली बार ही मिलना जैसे कि एक बहुत एक माँ मिल गई है, कोई हमें मिल गया है, घर का कोई बड़ा मिल गया, इस प्रकार दादी का प्रेम प्यार व्यवहार इस प्रकार से। और मैंने कहा कि पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये जब बाबा का ज्ञान जब हम परिवार में आया, घर में आया, तो परिवार में बहुत चेंजेस आने शुरू हो गए, घर में बदलाव आना शुरू हो गया। जो कुछ थोड़ा बहुत कोई छोटा व्यसन विसन करते थे वो बंद हो गया, और घर में ही गीता पाठशाला शुरू हो गई। तो हमारे गांव में और फिर हमारे में एक अंतर दिखने लगा कि भाई ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने रॉयल हैं, और सब लोग गांव में तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो
तो वो बोलते थे अच्छा ये शिव बाबा का घर है, ये शिव बाबा वाले हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये शिव बाबा वाले हैं, ऐसा मतलब ये इस प्रकार। तो उसी समय हमारा जो जो हम तो छोटे थे तो, लेकिन हमारे जो बड़े भाई थे वो आर्मी में थे, तो वो तो 2 मास आते थे चले जाते थे, तो हम लोगों को कुछ किताबें या कुछ मुरलियां ऐसे देके जाते थे, तो फिर हम वो पूरा मतलब पढ़ते थे, पूरा साल हमारा वही चलता था। क्योंकि उस समय जो स्टार्टिंग में 1976 में सेंटर नहीं था, 78 में 17 सेंटर हुआ, तो 2 साल हमारे इस प्रकार से निकल गए। तो हमारा जो कोर्स है ना, करीब करीब 1-1.5 साल लगा कोर्स में, जो पाठ्यक्रम होता है ना वही पढ़ते थे, वही पढ़ते थे, फिर भाई आते थे, फिर मुरलिया लेके आए नेक्स्ट टाइम, तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। तो लेकिन जो मधुबन के साथ जो प्यार था, मधुबन कैसा है, मधुबन में बाबा की पहाड़ी है, नक्की झील है, और वहाँ स्वर्ग जैसा है, जैसे आज आपको सबको लगता है ना कि मधुबन जाना है, कैसा है मधुबन, तो हमारे मन में भी वो चीजें आती थी। और मैंने उस समय ना 10th क्लास का एग्जाम दिया, और मन में बहुत आया कि नहीं मुझे बाबा के घर जाना है, मधुबन जाना है। तो उसी समय एक पार्टी आ रही थी, तो मैंने हमारी दीदी जो अभी पुना सेंटर पे है, नलिनी दीदी थी, उनको बोला कि देखो मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मुझे मधुबन जाना है करके, और मेरा एक भाई है तुलसी भाई करके मधुबन में वो सेवा कर रहा है, वो आपको किराए का पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो 1983 में पहली बार मैं मधुबन धरनी पे पहुंचा, और नया नया जस ओम शांति बनाए था, मतलब 18 जनवरी 1983 में ओम शांति का उद्घाटन होगा, और जनवरी फरवरी मार्च मार्च अप्रैल में मैं 3-4 मास के अंदर ही वो बाबा के पास पहुंचा। तो जैसे आया तो देखा अभी कमरा भी नहीं मिला, तो भी सामने गए थोड़ा हॉल देखा, अरे बाप रे कितना अच्छा हॉल है, ये सब देखा, तो मतलब इतनी खुशी हुई कि बाबा मतलब पहली बारी आए और बाबा ने हमको इतनी चीजें दिखाई कि इतना बड़ा हॉल बनाया, और हमें तो इतनी खुशी होती थी कि बाबा के घर में बाबा की ये कितनी अच्छी चीजें बन रही है, कितना ये बाबा के भव्य और दिव्य परिवार है। तो मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई कि सचमुच बाबा की कमाल है। तो मैं पहली बार जब मधुबन में पहुंच गया, तो अभी जैसे ही शुरुआत हुई ना कि भाई सेवा करनी है सेवा करनी है, तो 1 हफ्ता तो निकल गया, वो एक मेरा भाग्य था। उसी समय प्रकाशमणि दादी और हमारी मनमोहिनी थी, 1983 में उनका सौभाग्य मिलने का हुआ, क्योंकि फिर दादी दीदी ने तो शरीर छोड़ा, तो 2 मास वो पालना मिले। तो मैं अभी छोटा हूं, मैं तो सेवा क्या करे, सेवा क्या, तो 1 हफ्ता तो निकल गया भाई, सौगात लिया, मिले जुले सब। अभी नेक्स्ट हफ्ता है, अब क्या करे, तो मैं शांतामणि दादी के पास गया, दादी जी मुझे सेवा में रहना है, मुझे सेवा करनी है। तो जैसे मुझे शांतामणि दादी ने देखा, अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा करके, तो मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो सेवा भी नहीं कर सकता हूँ कुछ। तो भी दूसरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा इधर कभी भंडारे में जावे कभी कहाँ जावे, ऐसा सेवा अपने आप ही करता था, किसी ने सेवा नहीं दिया, जो खाली टाइम होता था जाके सेवा करता था। तो एक बार क्या हुआ, मैं भंडारे में गया तो वहां सूरज भाई थे, मैंने कहा सूरज भाई मुझे सेवा करनी, अच्छा सेवा करनी, तो वहां भंडारे में एक भाई था देव भाई करके, बोला देव भाई इसको थोड़ा सेवा दे दो कुछ ऐसा। तो उन्होंने वो भाई देव भाई ने मुझे एक कपड़ा दिया, बोला ये दरवाजा साफ करो, वो तेल वाला दरवाजा था तो साफ करो। अब मैंने कहा ये थोड़ी सेवा होती है, सेवा कुछ दूसरा होगा ना करके, तो मुझे संकल्प चला कि ये क्या है, ये थोड़ी सेवा होती है। तो
उतने में मैंने देखा कि सूरज भाई है ना, वो जो वॉश मशीन जो मुंह भी धुलाई करते हैं ऐसे, तो वॉश मशीन है ना बहुत प्यार से साफ कर रहे। मैंने देखा यार इतना बड़ा आदमी है वॉश मशीन साफ कर रहे, तो मैं तुरंत ही मेरा माइंड चेंज हो गया। नहीं, सेवा तो सेवा होती है ना, अब तो मैं कपड़ा लेके बहुत प्यार से वो दरवाजा साफ करना, ये मेरा सेवा का सबसे पहला अनुभव था कि सेवा क्या होती, सेवा कैसी करनी थी, बाबा की सेवा है तो कैसी करनी चाहिए। अब फिर एक क्लास में अनाउंसमेंट हो गया, प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि देखो अगला ग्रुप है ना बहुत बड़ा है, माता ही आ रही, करीब करीब उस समय बाबा के घर में करीब 2200 का ग्रुप, तो उस समय तो इतनी सुविधा नहीं होती थी, टेंट में बिस्तरा लगा के सुलाना, इस प्रकार से इतना छोटा मधुवन और ओम शांति भवन तो बहुत बड़ा बन गया। तो क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति, इतनी बड़ी पार्टी आई तो आधे आधा ओम शांति भवन है ना उसमें टेंट लगा दिया, और पीछे के साइड में सोते थे ओम शांति भवन में, और आगे बाबा आते थे। तो ऐसा उस समय ऐसा लगा काय के लिए इतना बड़ा हॉल बनाया, इतना तो रहने का भी नहीं, ऐसे ऐसे सबके मन में आ रहा था। तो बाद में देखा वो हॉल भी कम पड़ने लगा। तो उसमें प्रकाश मणि दादी जी ने कहा देखो नेक्स्ट ग्रुप बहुत बड़ा आ रहा है, तो सेवाधारी की आवश्यकता है, सेवा सेवाधारी की आवश्यकता है। तो फिर हम गए तो हिस्ट्री हॉल में जहाँ बुलाया था, तो फिर शांता मणि दादी ने मुझे देखा, अरे ये तो छोटा है ये क्या करेगा। मैंने कहा अरे क्या करे, तो उसी समय हमारे पास महाराष्ट्र जोन इंचार्ज की हमारी संतोष दीदी और गुजरात में जो भरूच है वहां प्रभा दीदी थे, तो उन्होंने दादी को कन्विंस किया, दादी कोई बात नहीं सेवादारी नहीं ना, इसको हम कुछ सेवा देंगे। तो अरे ये क्या करेगा, तो संतोष दीदी ने बोला दादी कुछ नहीं, इसको है ना एक पानी का जग देंगे, वो सभी को पानी बांटता रहेगा। तो बस हमको एक पानी का जग दिया गया और एक गिलास, तो जाके पानी, क्योंकि इतने बर्तन भी नहीं होते थे उस समय, तो दो तीन गिलास अपने जेब में रखने का ऐसे साइड में पानी दिया पिया, फिर अगर वो झूठा नहीं हुआ तो झूठा होगा तो थोड़ा धुलाई करके फिर दूसरे को आगे आगे पानी पिलाते रहते थे ऐसे। तो अभी कभी संतोष दीदी आती है हमको खाना खिलाते है ज्ञान सभा में, बोलते अभी तक तुम पानी ही पिला रहे, अभी तक तो मुझे भी पानी पिलाने लगा है करके मजाक मजाक में बोलती है। तो इस प्रकार वो सेवा की शुरुआत हुई बाबा के घर में, और बड़ा उमंग उत्साह से पानी पिलाना ये करना ये करना। तो मधुबन की छाप माइंड में बैठ गई कि मुझे मधुबन में रहना है। तो एक तरफ सेवा चल रही है, एक तरफ पढ़ाई चल रही है। तो पहली बार जब दो पहली बार ही आया और पहली बार ही 2 मास रहने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। 2 मास कैसे गए पता ही नहीं चल गया। तो 2 मास के बाद जाने का टाइम आ गया, तो मेरे साथ मेरा भाई था, लौकिक भाई था, वो आर्मी में था। तो उसने कहा कि चलो जो बाबा की भंडारी है उसमें पैसा डाल के आते हैं। तो हम भंडारे में इशु दादी का ऑफिस है वहां गए, तो वहां क्या था, वहां सारी दादियां बैठी थी, सारी दादियां, मतलब मनमोहिनी दीदी, प्रकाशनी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, जो जानकी दादी, सब दादी एक संदलता हुआ, और सामने इशु दादी और इधर प्रकाशनी दादी सब, क्योंकि वही भंडारी था तो भंडारी में पैसे जाते समय जो कुछ बचा होता था वो डाल के चले जाते थे। तो हम जैसे आग अंदर गए तो अंदर सब हंस हंस खेल रहे थे, जैसे हम लोग गए तो एकदम शांत हो गए, क्योंकि जो हमारा भाई था ना वो आर्मी का ड्रेस में था। तो गए तो हम भंडारे में पैसा डाल के वापिस आ रहे थे, तो दीदी ने कहा रुको ऐसे क्या, तो दीदी ने कहा रुको, तो हम तो डर गए कि भाई क्या बात हुई, दीदी ने एकदम रोक दिया करके। तो दीदी ने कहा कि कहाँ से आए हो, तो हमने कहा कि हम सतारा से आए हैं। तो सतारा से आए, तो दीदी ने कहा कि दादियों को सलूट नहीं मारोगे,
तो भाई तो हमारा बहुत खुश हो गया, उसने एकदम ऐसे सलूट मारा तो सब लोग माहौल एकदम हंस रहे थे, सारे खुश हो रहे थे। फिर दीदी तो बहुत होशियार थी, दीदी ने तुरंत जैसे ही हम लोग सलूट मारा तो दीदी ने भी ऐसा सलूट मारा। फिर प्रकाश मिनी दादी ने टोली खिलाई और वही हमारा दीदी के साथ मतलब अंतिम मिलन था, लास्ट का सलूट था, लास्ट समझो दीदी के साथ अंतिम विदाई भी थी। तो ये 2 मास पहले जो सेवा मिली ना, इसलिए वो फल मिला था कि दीदी के साथ जो 2 मास के कुछ अनुभव मिलना जुलना बात करना। तो हम देखते थे जो जो बाबा के सामने सामने वाले सोफे पे सारी दादियां होती थी, प्रकाश मिनी दादी मुरली सुनाते थे और सामने मनोहर दादी, चंद्रमन दादी जी, जानकी दादी जी, निर्वय भाई, भुजबन भाई, सारे महारथी आगे वाले सोफे पे होते थे और दादी मुरली सुनाती थी। मतलब इतने रस आता था उसमें हम लोग की सेवा 7 बजे शुरू होती थी, उस समय कहीं भोजन खिलाने के लिए तो 6:30 बजे मुरली शुरू होती थी और 7 बजे हमको निकलना होता था कि 7 बजे जाएंगे तब 7:30 वालों को भोजन मिल जाएगा करके। तो हमारा मन नहीं होता था कि हम यहाँ से उठ के जाए, यहाँ से उठ के जाए, क्योंकि एक पॉइंट और एक पॉइंट और ऐसा रस मिलता था। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 मास निकल गया, गए घर गए तो एकदम खाली खाली हो गया, बार बार मधुबन की याद आने लगी, मधुबन। फिर क्या हुआ, दीदी ने शरीर छोड़ा तो हम फिर अकेला ही, इतना छोटा 1,000 किलोमीटर में अकेला ही ट्रेन से आया और इधर आया तो पूछा भाई, एक दिन क्लास में बैठे तो सबसे आगे ही बैठा था तो प्रकाश मेरी दादी जी ने मुझे देखा, बोला ये बच्चा कहाँ से आया है करके। तो दादी ने पूछा कहाँ से आए, मैंने कहा सतारा से। तो दादी जी ने कहा सुबह मुरली के बाद मिलना। तो जब दादी के पास मिलने गए तो मैं तो अकेला था छोटा, तो मैं तो डर गया, तो मैंने सूरज भाई को साथ लिया, सूरज भाई दादी से मिलना है चलो ना मेरे साथ। तो सूरज भाई मेरे साथ आए तो वहां निर्वय भाई बैठे थे, दादी जी बैठी थी और मैं और सूरज भाई। तो मैंने दादी को कहा दादी मुझे है ना सरेंडर होना है। तो दादी जी मुझे हंस देख के हैरान हो गए, अरे ये बच्चा है क्या सरेंडर होना है, तो जाओ पढ़ाई लिखाई करो तो बड़ा बढ़ो, हाँ फिर सोचेंगे ऐसा करके। तो मैंने मुझे फिर प्यार से समझा जो जाके, फिर हम वहां से निकल गए एक छोटा सा था पीछे वाले गेट से। पांडव वन में 2 गेट है, एक बैक साइड में एक फ्रंट में है। तो बैक साइड में है ना पगडंडी है, पगडंडी से तो हम पैदल पैदल, तो रास्ते में है ना मजदूर नजर आए हमको, अरे ये तो मतलब मधुबन में पांडव वन में सेवा करने के लिए मजदूर आ रहे थे। तो मेरी आंखें भर आई, बोलते देखो यार ये मजदूर है ना, ये उनको मधुबन रोज जाने को मिलता है और हम देखो घर जा रहे हैं, मतलब इतना मतलब ऐसे भावना हो जाती थी, ये कितने भाग्यशाली है इनको तो बाबा के घर रोज आना पड़ता है। फिर ऐसे करते करते हम ट्रेन में बैठे घर पहुंचे, पता ही नहीं मतलब, लेकिन माइंड सारा मधुबन की तरफ। तो 83 हो गया, 84, 85, 86, तो हमारा रूटीन था जिस दिन एग्जाम होता था दूसरे दिन मैं मधुबन पहुंच जाता था, जिस दिन एग्जाम पूरा हो गया दूसरे दिन मधुबन पहुंच जाता था। मैंने हमारे जो एड्रेस में कॉलेज में जिस जहाँ पढ़ता था मैं, वो एड्रेस में लिखा था मेरा एड्रेस माउंट आबू करके, देखो उसी समय से। अभी वो तो भावनावश तो हमने लिख दिया माउंट आबू का एड्रेस, लेकिन मुझे उससे फायदा क्या हुआ, जब मैं पर एग्जाम पूरा होता था तो मुझे घर जाना है, घर जाने के लिए मुझे कंसेशन मिलता था और रेलवे का कंसेशन मिलता था, क्योंकि वो उसमें आई कार्ड में देखते थे माउंट आबू का है, अच्छा माउंट आबू जाना है तेरे को, हाँ तो फिर वो रेलवे का कंसेशन मिलता था। तो उस समय तो 50-60 रुपए में मैं माउंट आबू पहुंच जाता था एकदम। तो ये बाबा की कमाल होती थी। और जब हमारे प्रिंसिपल आदि होते थे वहां तो उनको भी ज्ञान सुनाता था, तो कॉलेज के ग्राउंड में वो मेरे कंधे पे हाथ डालते थे
और घूमते थे, और सारे कॉलेज के विद्यार्थी बोले आप कौन है, आपके रिलेटिव है क्या है? वो बोलते ये लड़के लोग है ना, इनको भी थोड़ा ज्ञान सुनाओ, इसको भी इनको भी सेंटर पे चलो ले चलो। तो मैं बोलता पहले आप चलो ना, फिर वो मोटरसाइकिल पे उनके साथ बैठ के सेंटर पे आते थे। फिर जब वो रेत शिक्षण संस्था के जब चिप बने तो माउंट आबू आए थे, तो प्रकाशमणि दादी को बोलते थे दादी ये ज्ञान सब बच्चों को जरूरत है। और उस समय उन्होंने संकल्प किया था कि ये एजुकेशन में ये चीज आनी चाहिए, बच्चों को ये चीज मिलनी चाहिए। तो दादी जी ने उनको कहा हाँ क्यों नहीं, बाबा एक दिन जरूर कराएगा। तो मैंने देखा अभी देखो हमारे एजुकेशन कोर्स कितने कितने सारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, एजुकेशन विंग है। तो दादी के बोल में ना बहुत पावर थी, बहुत शक्ति थी, तो जो दादी बोलती थी हो जाता। तो दादी ने बोला हो जाएगा करके, उस समय तो कुछ समय तो निकल गया, लेकिन ये बाबा की सेवाएं अभी आजकल तो एजुकेशन में बहुत सारी सेवाएं हो रही। तो जब 1986 आ गया, क्योंकि मेरी जो लगन देखी तो बीच में एक बार दादी ने देखा ये बच्चे तो बहुत जिद कर रहे, मधुबन रहे नहीं तो, इसको क्या करे। तो एक हमारा जो मुंबई में ओम निवास है ना, वो पहले वो गुजराती क्लब के नाम से होटल था, और उनके जो मालिक थे हरी भाई वो उसके मालिक थे। तो उनकी जो वाइफ थी बहुत अच्छे ज्ञान में चलती थी, हेमकुर बहन थी, तो उन्होंने शरीर छोड़ा था तो वो अकेले हो गए थे। तो हमारे जो पूना के गोविंद दादा थे उन्होंने कहा दादी ये बच्चे है ना मेरे साथ भेजो ना, मैं अकेला हूँ। तो दादी जी को पता चला ये गोविंद दादा के साथ जा रहा है करके, तो दादी जी ने कहा नहीं तुम इसको लेके जाओ, लेकिन इसको है ना वहा वो घाटकोपर में जो हरी भाई है उसके पास छोड़ना है इसको। तो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, मैं तो दादा के साथ आया वहां से माउंट आबू से, फिर मुंबई में आए रमेश भाई जी के घर में छोड़ा उन्होंने, फिर वहां हरी लाल भाई थे वो वाले के मुझे वहाँ ओम निवास में। तो वहाँ करीब 2-3 मास उनके साथ सेवा की, बहुत अच्छा उनको पालना मिली, उनको जैसे नहीं मेरा जैसे बेटा है ऐसा उनको जैसे भाव, क्योंकि उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ घूमना, उनके साथ मुरली सुनने जाना और इस प्रकार से। तो बराबर हमें याद है कि हम 1985 दिसंबर में उन्होंने अपना पूरा जो करीब करीब 3-4 मंजिल की बिल्डिंग थी वो सारा डॉक्यूमेंट लेके, हम मैं हरी भाई हरीलाल भाई अभी जो स्टूडियो में चलाते वो ये हम लोग सब है ना वो आए मधुबन में, और सारा जो डॉक्यूमेंट था अव्यक्त बाबा के सामने मतलब सरेंडर कर दिया, समर्पित किया, सारी जायदाद थी ना वो। उसके बाद फिर मैं मधुबन में आया, थोड़े दिन रहे फिर घर गए। फिर उसके बाद जब मैं वापिस आया करीब मैं 6 मास यहाँ रहा, तो दादी जी ने फिर बोला तुम कब जा रहे हो? तो डर लगता था दादी कोई बोले कि कब जा रहे हो ना, एकदम पसीना आ जाता था, घर जाना है कैसे घर जाना है करके। तो दादी जी को मैंने कहा दादी जी अभी राखी का दिन आ रहा है ना तो राखी बांध के नहीं जाऊंगा। तो दादी कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो दादी जी ने राखी तक छुट्टी दी। तो जिस दिन राखी का प्रोग्राम था ओम शांति भवन में पूरी राखियां सजाई थी, और उस समय तो बहुत कम लोग थे होते थे मधुबन निवासी से, तो दादी जी खुद सभी को राखी बांधते थे। तो क्या हुआ वो, उस दिन तो मुझे पता है कि राखी बांध के मुझे घर जाना है करके, ये फाइनल था। तो जब मैं राखी बांधने गया और रात बाबा के पास तो 2-2 बजे उठ के योग तो करता ही था, बाबा मुझे इधर रखो, बाबा मुझे सरेंडर होना है, बाबा मुझे सरेंडर, ये तो हमारा योग तो चलता ही था, लेकिन दादी जी को ना नहीं बोल सकते थे। दादी जी ने कहा तेरे को जाना मिला, जी दादी हाँ दादी कहते। अब क्या हुआ जिस दिन राखी का प्रोग्राम था तो उस समय सब लोग राखी बांध रहे थे, और मैं नीचे बैठा था स्टेज के नीचे बैठा था, क्योंकि मुझे पता है मुझे कल जाना है करके। तो मैंने कहा मैं सबसे लास्ट में मैं राखी बांधूंगा।
तो सब बांधते रहे बांधते रहे, लास्ट में दादी ने देखा ये नीचे बैठा है करके, तो सब पूरा हो गया, तो दादी इधर आओ इधर आओ इस करके, तो दादी जी ने मुझे राखी बांधी और इतना जोर से हाथ पकड़ा, जोर से ऐसे किया, जोर से हाथ में हाथ मिलाया मुझे और बोला आज से तुमको यही रहना है। अरे बाप रे, मैं तो इतना खुश हो गया, मेरे तो एकदम जैसे कि जमीन ही खिसक गई, जैसे कि उड़ने लगा मैं। दादी जी ने मुझे छुट्टी दे दिया, दादी जी ने मुझे छुट्टी दिया, मैं तो वहां से दौड़ते दौड़ते सीधा बाबा के रूम में गया। बाबा के रूम में जाके बाबा को दिल से, मतलब जैसे कि नहीं बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू ऐसा करके बाबा के अंदर आगे जाके बैठा और दिल से बाबा को बाबा बहुत शुक्रिया आपका करके, फिर बाबा के रूम में जाके फिर वहां से मैं भोली दादी के पास गया। भोली दादी है ना, तो दादी ने मुझे छुट्टी दिया। फिर वहां से बड़ा भंडारा था, वहां गया तो वहां भी जाके बोला दादी जी ने मुझे छुट्टी दिया है। हाँ, तो सब लोग इतने खुश थे कि मतलब मुझे देख के कि ये देखो बच्चा कितना खुश है कि भाई इसको छुट्टी मिल गई है, इसको इसके लिए कितना मतलब खुश है करके। तो इस प्रकार से जो पहला जो भोली दादी बोलते हैं ना, ये हमारी भोलेनाथ की भंडारी, ये भोली दादी है। तो मैं सोचा ये क्या हुआ, अचानक क्या हो गया, कल तक तो मुझे बोला था कि कल जाना है, आज क्या हुआ। तो ये भोली दादी जी है ना, रोज अमृत वेले के बाद प्रकाशमणि दादी के पास जाती है और बोलती कि आज भोजन क्या बनाना है, आज या आज ये भोजन बन रहा है। तो जब अमृत वेले के पास बाद दादी भोली दादी प्रकाशमणि दादी के पास गए, तो प्रकाशमणि दादी को भोली दादी ने कहा दादी ये बच्चा हमको चाहिए, ये बहुत अच्छी सेवा करता है, और हमारी जो जमुना दादी पालो दादी सारी मेरे को कान खा रहे कि ये बच्चों को रोको, हमको जरूरत है हमको जरूरत है। तो इस प्रकार से हमको ये भोली दादी ने सुबह अमृत वाला बड़ी दादी के पास जाके बताया कि इसको चाहिए हमको, तो हमारा ये एकदम ड्रामा चेंज हो गया। और मैं तब से 1986 मतलब मेरा जो सरेंडर का जो जन्म है वो कौन सा है, राखी का दिन। तो राखी के दिन दादी जी ने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी। तो फिर दादी के साथ तो बहुत सारे अनुभव है, मुझे याद है एक बार क्या हुआ, आम का सीजन था, आम का सीजन था, तो एक आम की पेटी आई दादी के लिए। अभी एक आम की पेटी माना कि इतना 25 एक आम होंगे, 24-25 उसमें। तो दूसरे दिन मुन्नी बहन ने दादी को कहा दादी आपके लिए आम आया है। तो दादी ने एकदम लग क्या क्या बोला, ला आपके लिए आम आया है, ला दादी माना कौन, दादी माना मधुबन निवासी, और मधुबन निवासी माना दादी, दादी के लिए नहीं आया मधुबन निवासी के लिए आया, मैं भी तो मधुबन निवासी हूं तो मैं अकेली तो नहीं खा सकती हूँ। तो मुन्नी बहन ने कहा लेकिन दादी वो तो थोड़े से है ना, तो दादी ने क्या हुआ फिर, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मिल सकता है ना। तो दादी जी ने फिर दूसरे दिन बताया कि ऐसा करो क्लास की टोली में दे दो, तो देखो एक 20-25 आम छोटे छोटे पीस करके क्लास के बाद टोली। तो क्लास में जैसे मुरली पूरी हुई तो दादी जी ने कहा देखो मुंबई से आम आए हैं, कहते हैं दादी के लिए आम आए, लेकिन दादी अकेली खा सकती है, बोलो खा सकती है, तो हम सभी खाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मिलेगा, सब तैयार है ना। सबने इतनी ताली बजाई इतनी ताली बजाई। तो ये दादी का प्यार था, ये दादी के अंदर स्नेह था कि कैसे हम बच्चे सब बच्चे खाएंगे तभी माँ खाएगी ना, तो ये दादी के अंदर स्नेह होता था प्यार होता था। तो एक बार ऐसे ही जैसे हम लोग खेलने कूदने के लिए जाते, कभी कोई किसी ग्राउंड पे जाते थे, कहीं पिकनिक करने जाते, तो दादी जी को बड़ा संकल्प चलता था कि
बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों के लिए खेलने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे करके। तो क्या हुआ, एक दिन हमारे पास एक दूध वाले आते थे दूध देने के लिए, जहां अभी पीस पार्क है ना, वहां से दूध देने आते थे। तो वो जो दूध वाले भाई ने कहा कि हमारा गांव की एक जगह है, वो जगह बेचना है, आप ले लो ना। मैं क्या क्या करेंगे, तो फिर दादी जी को बताया, दादी जी ये ग्राउंड है और गुरु शिखर के पास है, अच्छा मैदान है, अपन ले ले। तो दादी ने कहा चलो पहले अपन वहां जाके पिकनिक करेंगे। फिर पहले लेने के पहले वहां गए और पिकनिक किया। जब पिकनिक किया तो दादी जी ने वहीं पूछा, देखो ये जगह ले हम, ये जगह ले। तो सबने हाँ दादी, हाँ दादी, सबने हाँ बोल दिया। फिर वो जो पीस पार्क की जगह जो है वो लिया। फिर उसी समय जो हमारे नेहरू वाले किशोर भाई वो यहाँ आए थे, शिफ्ट हुए थे, तो उनको पता चला। तो वो दादी के पास गए और कहा दादी जी आप मुझे सेवा दे सकते, बोला क्या, मैं ये जो पीस पार्क है ना उसको डेवलप करूंगा, उसको अच्छा बनाऊंगा। तो दादी जी को तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी है। तो तब से लेकर वो जो पीस पार्क देखो वो डेवलप करे। तो बोलते उनके दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा है, तो वो बोलते हमारे दो बच्चे, एक तो वो बच्चा है जो आर्ट गैलरी संभालता है आजकल बेजोड़ करके, और दूसरा बच्चा है ना पीस पार्क है, बाबा तो ही है। तो इतना प्रेम से इन्होंने पाला पोसा, और जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि पीस पार्क कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है करके। तो इस प्रकार से दादी का हम बच्चों के लिए मतलब सदा संकल्प चलता था। कि जब पीस पार्क हो गया तो साल में एक बार हम लोग प्रोग्राम करते थे, और उसमें दादी प्राइस भी बांटती थी। तो हमें याद है जब हम पीस पार्क में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो साल में एक बार जो प्राइस मिलता था, तो उस समय मुझे दादी जी ने एक तो 3 लाख का जो उसमें पहला नंबर आया था, जो एक हाथ में घड़ी नजर आ रही और दूसरे हाथ में जो बाबा दे रहे, वो ऐसे जिलेबी बांधी थी, 10-15 जिलेबी बांधी थी, और जंप करके जिलेबी खाना है। तो वो तो हिलता था, वो मुंह में आता ही नहीं था, तो हम ऐसे उछल करके उछल करके। तो वो मुझे क्या हुआ, ये उसने मैंने पहली पहली जलेबी ऐसे काट के खाई, तो मेरा पहला नंबर आया था। तो इस प्रकार से दादी ने मुझे खुश हुई, दादी बोलती दो तो पहला नंबर दो, ऐसे करके। तो इस प्रकार दादी ये जो पीस पार्क की जो शुरुआत हुई, फिर अभी तो बच्चों का प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ये दादी की गिफ्ट थी हम मधुबन निवासी के लिए, कि हमारे मधुबन निवासी, हमारे प्यारे भाई कहाँ जाएंगे, खेलेंगे कहाँ। तो ये हमारे लिए दादी ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी थी। उसके बाद तो विंग के प्रोग्राम होते थे, हम विंग की पिकनिक लेके, मतलब हर विंग की एक पिकनिक वहां होती थी। तो सबका भोजन खा के ले जाते, वहां सबको खिलाते, इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते। फिर हमने देखा कि जब हमारा दादी के साथ तो बहुत प्यार, तो 1991 की बात होगी, मैं सुनता हूँ, दादी के है ना सीने में दर्द हो गया, दादी के सीने में दर्द हो गया। तो सब लोग परेशान, क्या हो गया, क्या हो गया करके। तो हम तो छोटे थे, तो हमें भी लगा कि भाई दादी की तबीयत ठीक नहीं, हमें भी जाना चाहिए दादी को मिलने के लिए। तो हम जब गए दादी के पास, तो सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, तो हम तो कोई जाने ही नहीं दे रहा है। तो जब हम वहां गए तो फिर मैंने देखा यहाँ तो कोई अंदर जाने नहीं देगा। उसके बाद मैं सीधा बाबा के रूम गया, बाबा के रूम, जो ये जो पिक्चर देख रहे हैं बाबा के रूम। तो बाबा को मैंने कहा, बाबा हमारे माँ को क्या हो गया, बाबा हमारे माँ को। तो बाबा ने मुझे ये चित्र दिखाया था कि दादी बाबा के दिल में है। तो बाबा मुझे कहते, अरे तेरे माँ को कुछ नहीं होगा,
सब ठीक हो जाएगा, तेरे माँ को कुछ नहीं। ऐसे बाबा मुझे बताया, मतलब जैसे कोई बोलता है ना ऐसे, तो मैं तो एकदम खुश हो गया। मैं तो वहां से सीधा किचन में चला गया और अपनी सेवा में लग गया। तो 10 मिनट के बाद मुझे मैसेज मिलता है कि कुछ गैस का प्रॉब्लम के कारण दादी के सीने में दर्द हुआ था, लेकिन कुछ नींबू पानी या कुछ लिमका या कुछ पिया, एकदम ठीक होगी दादी। तो इतना सब मधुबन निवासी का अटैच, दादी के साथ अटैचमेंट था कि मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए करके। एक बार जो हिस्ट्री हॉल है ना, हिस्ट्री हॉल, तो हिस्ट्री हॉल में दादी जी का क्लास चल रहा था। तो दादी जी का क्लास चल रहा था तो अचानक वहां मुन्ने बहन आए, और दादी जी का शायद गोली खाने का टाइम हो गया था। तो दादी जी ने कहा कि मतलब गए थे जो आपको हिस्ट्री हॉल नजर आ रहा है, तो ये हिस्ट्री हॉल है, तो ये इधर क्लास चल रहा था, हम सब मधुबन निवासी थे। तो वो मुन्ने बहन एक ग्लास लेके पानी भर के आए, और उस समय माउंट आबू में अकाल पड़ गया था। तो दादी जी ने कहा कि इतना ग्लास भर के क्यों लाया है, इसको आधा पानी कम करके आ जाओ। मतलब दादी इतना ध्यान रखती थी, जो ग्लास है भरा हुआ है वो आधा में पानी पियूंगी आधा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो दादी जी ने मुन्नी बहन को कहा कि ऐसा करो, इसमें से आधा पानी वापिस करके आओ। और फिर दादी ने फिर मतलब दवाई तो खानी है, तो दो चार घूंट में ही तो दवाई हो जाती है ना, खा सकते हैं ना। तो ऐसे दादी जी प्यार करती थी और इतना स्नेह देती थी, और अपनी व्यवहार से सबको सिखाती। एक बार की बात है, वहां अभी तो मधुबन में ज्ञान सरोवर में ये बाल काटने का शॉप है, दुकान है, उस समय नहीं होता था। तो हम मार्केट जाते थे बाल काटने के लिए, मार्केट जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मार्केट जाना है तो पैसे इशू दादी से पैसे लेते थे, तो हमको 5 रुपए मिला बाल काटने के लिए। तो हम 5 रुपए लिया और मार्केट गया, बाल काटे। तो जो नाई होता है ना, उससे बात किया, उन्होंने कहा देखो हम बाबा की सेवा के लिए आते हैं, देखो हम यहाँ बाबा की सेवा फ्री करते, ऐसे ऐसे बातें करके। तो उसको बोला कि हमारे पास तो 4 ही रुपए है भैया। तो बोला चल कोई बात नहीं, तो हमने इसको 4 रुपए दिए, जो नाई को बाल काटने वाले को। तो 1 रुपया बच गया, क्योंकि सब लोग 5 रुपए लेके जाते थे बाल काट के आते थे, मैं तो 4 रुपए में काट के। और फिर मैं वापिस आया और यीशु दादी को मैंने 1 रुपया वापिस दिया। लाइक दादी हम तो 4 रुपए में बाल काट के आए। तो अच्छा, तो यीशु दादी ने प्रकाशमणि दादी को बोला बच्चा कितना अच्छा है, वो 1 रुपया बच्चा के, दूसरे लोग तो 5 रुपए खर्चा करते, ये तो एक बच्चा के लाया रुपया। तो दादी जी ने एक बार वो बात क्लास में बताई, देखो बाबा का एक ये है, गरीब बच्चे हैं, हमें एक एक पाई पाई बचाना चाहिए। हाँ देखो एक छोटा बच्चे 1 रुपया वापिस लेके आया। तो ऐसे दादी जी है ना, मोटिवेशन करती थी, सबके अंदर उमंग उत्साह देती थी ताकि हम कैसे बचत करें। मुझे याद है एक मुंबई की कुमारी थी, और उस समय अव्यक्त बाबा की आने वाले थे। तो बाबा तो करीब 6:30 बजे आते थे, 6:30, 7, 8, 8:30 बजे तक मुरली चलती थी। तो जो कुमारी है ना, वो प्रकाशमणि दादी के पास गई, दादी जी मैं जा रही हूँ। तो दादी जी उसको देखा, क्यों तू क्यों जा रही, आज तो बाबा आने वाला है। तो उसने कहा दादी तो हमारा ट्रेन है। बोला कितने बजे ट्रेन है, बोला 9 बजे। अच्छा कोई बात नहीं, तो बाबा की मुरली नहीं मिस करना, ऐसा दादी ने, तो तेरे को मैं पहुंचा दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, ऐसे दादी ने कहा उसको। तो उसको तो बहुत खुश हो गई कि बाबा बाबा आ रहे हैं, और वो नीचे दूसरी गाड़ी से जा रही है सुबह शाम को 5 बजे। तो उसको तो बहुत खुशी हुई, गई बाबा की मुरली सुनी, फिर बाबा की जैसे याद प्यार नमस्ते हुआ, तो प्रकाशमणि दादी को उसको बुलाए, वो बच्ची को आ जाओ इधर कर, बाबा से टोली दिलाया, बाबा से टोली दिला के फिर
दादी ने कहा उसको, अपने ड्राइवर को, दादी के पास जो कार थी ना, अपने वो ड्राइवर को बुलाया, बोला जाओ ये बच्ची को जाके स्टेशन ट्रेन में बैठा के आना। तो देखो एक माँ ही कर सकती है ना ऐसे, कि वो बाबा की मुरली भी मिस नहीं हुई और दूसरा उसको खास अपनी खुद की गाड़ी, चिपा ब्रह्मा कुमारी है दादी प्रकाश मणि, उसने खुद अपनी गाड़ी देके उस छोटी बच्ची को स्टेशन पे, वो अभी ब्रह्मा कुमारी बन गई, लेकिन वो बात सुन की याद करके भी उसकी आंखों में आंसू आते। फिर जब वो समर्पित हुए ना, समर्पित, तो समर्पित के समय उसने दादी जी को कार गिफ्ट दिया। देखो कैसे हिसाब किता होता है। देखो एक टाइम उससे दादी ने कार भेजी, उसके मन में था नहीं दादी को मैं अच्छी कार दूंगी करके। तो उस जमाने टाटा स्टेट बहुत दामी ग्रामी कार थी, तो दादी जी को उन्होंने गिफ्ट दिया। तो इस प्रकार दादी और हमारा जैसे जैसे माँ बेटे का संबंध होता है, कोई भी बात होती थी चले जाते थे। एक बार मुझे याद है कि हमारे पास एक लॉस एंजिल के राम कुमार भाई था, राम कुमार एक, तो मेरा दोस्त थे, तो यहाँ था मधुबन में था वो राम कुमार भाई। अभी उन्होंने शरीर छोड़ा, 2-4 साल हो गए, गीत भी अच्छे गाते थे। तो उनके माँ बाप लॉस एंजिल में रहते थे, तो उनका कुछ ग्रीन कार्ड या कुछ आया, निमंत्रण आया भी आपको आना है। तो मैं उसको लेके गया, दादी जी ये जाना है इसको, उस अमेरिका उसके मम्मी पापा ने बुलाया है, जबकि अभी वो इधर रहने वाला था लेकिन अचानक बुलाया तो गया। तो दादी के पास कोई नहीं था, दादी बोला अच्छा अच्छा इधर आओ, बाबा के हाथ से खाली हाथ थोड़ी जाना होता है। तो दादी जी वहां जो अभी दीदी का रूम था उसमें लेके गई, तो देख सौगार ढूंढ रही थी, क्योंकि वहां मुन्नी बहन नहीं थी, कोई नहीं थे, मतलब दादी तो सिंपल थे ना। तो दादी जी को हाथ नहीं पहुंच रहा है, अलमारी में सौगात थी, तो दादी जी सोफे के पैर चढ़ गई, खुद ही ऊपर चढ़ गई, ऐसे हाथ मेरा पकड़ के ऊपर चढ़ गई, ऐसे ढूंढा, क्योंकि दादी बोलती अमेरिका जा रहा है ना तो अच्छी सौगात होनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ बाबा रहेगा ना, अकेला है ना, कुमार है ना, इसके साथ बाबा रहेगा। तो दादी ने बहुत अच्छा बाबा का पिक्चर दिया, तो वो तो इतना खुश हो गया, लास्ट तक उसने अपने पास वो चित्र रखा था बाबा का। तो ये दादी जो जिसके भी कनेक्शन में आती वो अपना बना देती थी, अपना प्यार देती थी। मुझे याद है शुरू शुरू में, देखो बाबा की यज्ञ तो अभी थोड़ा संपन्न हो गया, उन जमाने में इतना कुछ नहीं होता था, एक ट्रॉली लाना था वो भी मीटिंग में पास करना होता था, ये ट्रॉली लेना है करके। हमारे जो आनंद काका थे वहां, तो उन्होंने हमको एक लिफ्ट बना के दिया खाना चढ़ाने के लिए, तो वो तो कितना 16,000 में, इतना मतलब जो वेल्डिंग बिल्डिंग करके ऐसा, फिर हम लोग हाथ से उसको घुमाते थे वो बैरियर को, और धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर जाती थी, ऐसी लिफ्ट थी वो, बाद में उसमें मोटर लगी। ऐसा क्या हुआ, एक दिन लिफ्ट खराब हो गई, तो लिफ्ट अभी 12 बजे भोजन का बेल बजता था, तो 12 बज के लिए 10 मिनट कम था। तो मैंने, मेरे खाना लाने की ड्यूटी थी, तो मैं दादी के भोली दादी के पास गया, भोली दादी अभी डाइनिंग में भोजन नहीं आया, लिफ्ट खराब है, क्या करना है? तो दादी जी ने, भोली दादी जी ने मेरे कहा जाओ 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 बड़ी दादी के पास जाओ, मतलब प्रकाश मणि दादी के पास जाओ। मैं गया दौड़ते दौड़ते प्रकाश मणि दादी के पास, तो दादी ऑफिस में बैठी थी, इशु दादी थी और बड़ी दादी थी, कुछ लेटर पढ़ रहे थे। मैंने कहा दादी लिफ्ट खराब हो गई, अभी तक भोजन नहीं आया। तो दादी अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं मैं आती हूँ ना। तो दादी मेरे साथ, मैं सोच रहा हूँ दादी क्या करेगी, दादी थोड़े पतीला उठाएगी ऐसा, मैं अंदर, मैं तो छोटा था ना, मैं थोड़े सोच। तो जैसे हम डाइनिंग में गए, तो वहां डाइनिंग में गए तो वहां सारे भोजन के लिए काफी लोग पहले आ जाते हैं ना थोड़ा, तो 20-25 वहां भाई लोग मधुबन निवासी आए थे। तो दादी जी ने कहा इधर आओ सब, ये सुभाष के साथ जाओ और भोजन लेके आओ।
क्योंकि चार मंजिल नीचे है, मधुबन में चार मंजिल नीचे जाना होता है वहां से भोजन, तो जाओ उस भोजन उठा के लेके आओ। बस दोनों दादी जी ने कहा, सब दौड़े दौड़े तो पहुंच गए, एक एक पतीला पांच पांच छह छह लोगों ने पकड़ा, सीधा डाइनिंग में भोजन आ गया, 12 बजे के पहले भोजन शुरू भी हो गया। तो ये दादी की कमांड पावर थी, ये दादी के अंदर ताकत थी, शक्ति थी। एक एक बार की बात है, हम क्योंकि छोटा घर होता है तो भोजन ऊपर नीचे होता है, कभी कुछ कम हो गया कभी कुछ कम हो गया तो होता है, तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही भोजन कम हो गया, तो मैं और भोली दादी वहां किचन में थोड़ा सा कुछ बना रहे थे, मतलब दाल कम हो गई थी, तो दादी ने मुझे कहा जाओ लस्सी लेके आओ, छाछ लेके आओ, अपन कड़ी बनाते। तो क्या हुआ, हम लोग मैं जाके एक बाल्टी वो लेके आया, छाछ लेके आया, इतने में क्या हुआ, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, सारी दादी है ना उधर 2 बजे करीब ऐसे राउंड लेने आए थे, सब ऐसे बात करते करते। तो भोली दादी के पास आए, तो प्रकाशमणि दादी भोली दादी, भोली क्या हुआ, भोली क्या हुआ, तो भोली दादी ने कहा नहीं दादी थोड़ा सा दाल खुट गई है, खुट गई, सिंधी शब्द है, बोला दादी दाल खुट गई तो बना रहे। तो क्या हुआ, वो शेगड़ी कोयले की शेगड़ी थी, वो सारे शेगड़ी के चारों तरफ सब दादियां खड़ी, हम तो दूर हो गए उधर, सब दादियां वो शेगड़ी के। फिर एक ने कुछ तेल जानकी दादी ने पहले वो कढ़ाई में वो तेल डाल दिया, फिर तेल के बाद दूसरे ने जीरा डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, किसी ने हल्दी डाल दिया, तो सब दादी ने मिलके क्या बनाई, कड़ी बनाई। अब जब कड़ी बनी तो सब मधुबन वालों को सब पता, रही दादियों ने कड़ी बनाई, दादियों ने कड़ी बनाई, तो जिन्होंने खाना भी खाया ना वो भी फिर डाइनिंग में। फिर दादी ने कहा हमको भी मिलेगी ना कड़ी, फिर मैंने सब दादियों को थोड़ा थोड़ा कटोरी में उनके रूम में जाके दे दिया। तो ये दादी का प्यार होता था। एक बार क्या हुआ, भोली दादी सुबह जाती थी रोज बड़ी दादी के पास कि दादी आज सब्जी नहीं कटी है। अच्छा सब्जी नहीं कटी है, ऐसे बड़ी दादी ने कहा, बड़ी दादी में ना प्रकाश पिनी दादी को बोलते थे हम बड़ी दादी। तो जैसा ही मुरली पूरी हुई तो मुरली पूरी होते ही प्रकाशमणि दादी सीधा डाइनिंग में आई जहां सब्जी कटती थी, वहां आई और एक मोड़े पे बैठ के सब्जी काटना शुरू किया। जैसे ही सब्जी काटना शुरू किया तो सब मधुबन, तो छोटा घर है ना, फटाफट दादी को पता चला, सबको पता चला मधुबन निवासियों को, अरे दादी सब्जी काट रही, दादी सब्जी काट रही, सब लोग दौड़ दौड़ के आए, सब लोग दौड़ फटाफट सब्जी, 10 मिनट के अंदर सब सब्जी कट दी गई। तो ये दादी के अंदर सहयोग की भावना जो होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, क्यों नहीं कटी, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ऐसा नहीं, दादी खुद आती थी, खुद आती थी तो सारा एकदम झुंड आती थी, सब कट्टा हो जाता था। ऐसे मैंने देखा दादी जी जब डाइनिंग में आती थी तो पूछती थी अच्छा सुभाष क्या भोजन बना है, अभी हम छोटे थे हमको तो इतना पता नहीं होता था कि कैसे बताना, तो मैंने बोलता था दादी जी दाल बनी है, चावल है, रोटी है, सब्जी है। तो दादी हंसती थी, नहीं कह क्यों हंसे, तो ये तो है भोजन। तो दादी इधर आओ इधर आओ, तो दादी बोलती देखो कैसे भोजन बताया कैसे जाता है, देखो रोटी तो रोज होती है वो बताने की जरूरत नहीं, चावल तो रोज होता है वो भी बताने की जरूरत नहीं, तो क्या बताना है, अच्छा सफेद मूंग की दाल बनी है, हाँ बैंगन की सब्जी बनी है, और अगर कुछ चीज बनी है भाई मीठा कुछ बना है जैसे मोहन थाल बना है, बस ये तीन चीजें बताओ बस हो गया। अच्छा हमको तो समझ नहीं आता ये इतने, क्योंकि बोलते पाके चावल तो रोज ही होता है, रोटी तो रोज ही होता है, जो रोज वाली चीजें नहीं बतानी, जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो बतानी होती। तो ऐसे दादी जी सिखाती थी, ये नहीं कि तुम क्या क्या ऐसे थोड़ी बता, ऐसे नहीं, दादी सिखाती थी। फिर दादी ये बताती थी देखो जब भोजन लेने आओ ना तो बोलने का थोड़ा थोड़ा देने का, ताकि बाबा का यज्ञ का नुकसान नहीं होना चाहिए, फिर उनको बोलना कि दोबारा भले आओ लेकिन
वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दादी जी एक एक बात की, क्योंकि कभी कभी दादी जी हमारे क्लास में हिस्ट्री हॉल में बैठ के सुनाती थी, देखो आज है ना एक बुढ़िया आई थी, एक छोटी सी गठड़ी थी उसके पास, उसमें 10 पैसा 5 पैसा 8 अन्नी 54 अन्नी ऐसे करके, देखो इतनी गरीब माता थी, वो खुद नहीं खाई और हमारे लिए बाबा के लिए लेके आती थी, तो हमको उसको कैसे यूज करना चाहिए, हम एक एक पाई पाई बचत करना चाहिए, हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, भोजन हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे दादी बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझाती थी। एक बार की बात है मुझे याद है, यहाँ मधुबन के क्लास में या ओम शांति भवन में सतयुग की बात चल रही थी, सतयुग में दही दूध की नदियां होती है ये ऐसे ऐसे, तो दादी जी को अचानक याद आया कि अच्छा बताओ कि मक्खन कौन निकालता है इधर, तो उस समय मैं वो ऐसे नहीं ऐसे ऐसे हिला के ऐसे निकालते थे, वो ढेगरा होता था और वो ऐसे, तो मेरे आजू बाजू में लोग बैठे थे, अरे उठो 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 उठो, मैंने कहा वो तो डर लग रहा था मुझे, बोले नहीं नहीं उठो दादी याद करे, तो मैं खड़ा हो गया, दादा इधर आओ करके दादी ने मुझे बुलाया, स्टेज पे बुलाया, ये देखो छोटू मक्खन निकालता है ऐसा करके बोला, फिर दादी जी ने मुझे गुलाब का फूल था दादी के पास, वो दादी जी ने मुझे दिया, तो मुझे तो इतना खुशी हुई कि जैसे कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला, बहुत बड़ा प्राइज मिला, और सचमुच दादी ने दिया मना बाबा ने दिया, तो बहुत बड़ा प्राइज मिला, तो मैं तो जैसे कि धरती पे नहीं था। तो ये था कि मेहनत कुछ भी हो कहाँ भी हो लेकिन दादी उसको अप्रिशिएट करती थी, चाहे मुरली के अंदर धोबी घाट की बात निकलती थी तो धोबी वालों को उठाती थी, अच्छा कपड़ा कितना अच्छा धुलाई करते, बाबा भी धोबी है, बाबा भी हम लोग के आत्मा की धुलाई कर रहा है, तो ऐसे मोटिवेशन दादी देती थी हर एक को हर समय को। एक बार ऐसे ही हमारा जो क्लास चल रहा था तो हिस्ट्री हॉल में, तो दादी जी ने पूछा कि देखो दादी जी क्या बोलती, दादी दादी का विचार है, दादी ये नहीं बोलती थी मेरा विचार है मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं बोलती थी, दादी का विचार है। तो दादी जी ने एक बार कहा कि देखो दिल्ली में हमारा जो ओम शांति प्रेस है ना वो दिल्ली में है, तो हम लोग का विचार है ये शांतिवन में शिफ्ट, अभी शांतिवन में अभी शुरू हुआ था काम, अभी जगह भी कर लिया था, वो डायमंड हॉल आदि कुछ नहीं था, तो दादी का विचार है कि यहाँ प्रेस को इधर ट्रांसफर करते क्योंकि यहीं से सब लोग सामान लेते हैं। तो मोतुबन निवासी कुछ लोग बोले दादी आवश्यकता है इतना बड़ा प्रेस इतना खर्चा, तो दादी जी ने कहा नहीं देखो आपका विचार है तो इसको यस कर देंगे करके, तो आपस में बातचीत करके तो सब मधुबन निवासी, दादी अगर आपका संकल्प है आपके मन में है तो यस है, तो सभी ने ताली बजा दिया, तो ताली बजाए तो देखा वो सारा जो आज ज्ञान अमृत प्रेस है ना जो शांतिवन में वो दादी का संकल्प था, तो सारा नीचे आ गया, देखो अभी तो वो भी कम पड़ रहा है, अभी तो नदी है वहां एक बहुत बड़ा प्रेस बनाया है ट्रांसफर कर दिया। तो ये दादी के भविष्य के दूरदर्शिता बोलते ना, दादी के अंदर ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता होती थी और वो दूर का सोचती थी, हर बात का दूर का सोचती थी। हमें याद है जब ज्ञान सरोवर की जमीन ही लिया था और जस्ट कंस्ट्रक्शन, तो वैसे आपको हमने बताया था कि हमारा जन्म जन्म ही राखी से हुआ है, और एक एक मास से एक पूरा अगस्त मास पूरा राखी का ही होता था, ऐसा माहौल बन जाता था, और दादी जी सबको चाट देती थी, चाट देती थी सभी को, तो चाट जब राखी बांधते थे तो हमको चाट दादी के सामने रखना है, जो भर के भरा हुआ चाट दादी के सामने रखना है, फिर दादी राखी बांधती थी,
कोई भी बात होती ना तो हम दुबन निवासियों के साथ दादी बैठी थी कि इस बार राखी बांधनी है ये करनी है। तो पता नहीं दादी के मुख से क्या निकला कि दादी को खर्ची क्या दोगे ऐसे करके। तो बोले कि हम तो इधर मधुबन में है, हम थोड़ी कमाई करते, हम क्या खर्ची देंगे। तो एक तो था कि भाई चलो ये जो चार्ट है वो तो देंगे ओके, लेकिन हमारे पास तो खर्ची तो होती नहीं। तो प्रकाशमणि दादी जी ने ईश्वर दादी को बताया कि देखो सभी को एक एक रुपया देना, क्या सबको एक एक रुपया देना। और ईश्वर दादी ने सभी को बताया कि फलाने समय यहाँ आना और सभी को एक एक रुपया वो मिलेगा। फिर वो सभी ने लिया और फिर जब राखी बांधी सभी को, जैसे नहीं एक बहन को भाई देता है, तो इस प्रकार से मतलब एक एक अलग माहौल बन जाता था। और उसमें क्या होता था कि जैसे कि मुंबई वाले लोग बड़े एक्सपर्ट रहते थे कि हर साल वो जैसे वो गोदावरी बहन है या कभी कोई, तो वो राखियां बना के लाते थे। राखियां माना यज्ञ की बातें, कुछ अलग अलग चीज है वैल्यूज के बारे में। तो पूरा आधा ट्रक वो पूरा भर के लाते थे और फिर वो डिस्प्ले होता था पूरा स्टेज पे डिस्प्ले। सारी राखियां ऐसी लाइन में लगाते थे, कोई कोई राखियां जो जैसे 500-500 रुपए का ऐसे बना के राखी, फिर कोई 1,000 की, कोई 100 रुपए की, ऐसा अलग अलग चीजें। फिर उसको सजाया जाता था। ये पहले तो उसको जो हिस्ट्री वाला है ना वहां सजा के रखते थे। फिर दादी जी बोलते देखो फलाने वालों ने राखियां बना के लाई है, फिर वो सब देखते थे। ऐसे अलग अलग सेंटर के भी लोग राखियां भेजते थे दादी के लिए, लेकिन वो बड़ा रूप होता था, बड़ा रूप था। फिर वो राखियां सब देखते थे और सब लोग देख के फिर जिस दिन राखी होती थी उस दिन सभी सभी लोग दादियों को भी राखी बांधते थे। जैसे ये देखो ये जैसे शांतामणि दादी है, तो ऐसे पूरा लाइन लगती थी और वो लाइन लगा के सब लोग ऐसे लाइन में आके कोई तिलक देता था, कोई सौगात देता था, कोई अलग अलग चीजें। तो इसी प्रकार जैसे दादी मिल रही है, तो ऐसे बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा त्योहार जैसे हमको महसूस होता था कि दादी जी हमको राखी बांध रही, दादी जी हमें ये कर रही। तो वो एक पूरा मास हमारा इस प्रकार से जाता था। तो दादी के अंदर जो प्यार की जो भावना होती थी ना वो झलकती थी। और दादी खुद बोलती थी देखो मेरे हाथ में कितनी राखियां है देखो। तो इस प्रकार को दादी के बाजू में बहन बैठी है, दादी राखी बांध रही, फिर आगे तिलक है। तो ये ऐसे लाइन से फिर लास्ट में वो जो अपना स्लोगन होता है ना वरदान, वो एक जन देते थे। तो ये जो ओम शांति भवन की राखी जो को उसका फोटो आज मेरे पास मिल गया। लेकिन ये तो सिर्फ सामने की बातें होती थी, लेकिन पूरा मास हमारा तपस्या का होता था। पूरा मास दादी जी उत्साह देती थी कि आज हम इस गुण पे ये करना है, ये गुण हमें धारण करना है, ये विकार हमको छोड़ना है, इस प्रकार से। और हमें ये सौभाग्य मिलता था। पहले तो हम सभी जो निवासी, जो हम तो उस समय छोटे थे, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग होते थे ना वो दादी जी को सब राखी बांधते थे रिस्पेक्ट से। तो उस समय कोई कोई लोग ऐसे भी होते थे कि जो बॉम्बे से आदि आते थे दादी जी के लिए, कोई सोने की राखी, कोई हीरे की राखी, कोई अलग अलग राखियां लेके आते थे। तो वो पहले उनको दिया जाता था कि भाई हाँ आप लोग पहले राखियां बांधो। फिर तो दादी को ऐसे सब लोग प्यार से राखी बांधते थे। कुछ ना कुछ ऐसे त्योहार होता था और खाने की चीजें यार कई बार क्या होता था जो मधुबन की बहनें होती थी ना वो सारी बहनें आती थी और ये कुछ ना कुछ चीज बनाती थी।
तो जब राखी का त्योहार होता तो जैसे केक भी बनाया जाता था, रिस्पेक्टली सबको केक खिलाया जाता था। तो जैसे नहीं कोई बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन होता था, फंक्शन हो इस ढंग के दादी राखी के बारे में मतलब ऑर्गेनाइज करते थे। तो हमें तो ऐसा लगता था कि राखी कब आ रहे, राखी कब आ रहे। तो हमारा ब्रह्मा कुमारी जैसे नहीं संस्था में इस प्रकार से, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ऐसे लाइन में खड़े हैं तो सबसे पहले ऐसे तिलक तिलक देंगे, उसके बाद फिर राखी होगा, इसके बाद फिर मिठाई खिलाते, फिर उसके बाद एक स्लोगन होगा, उसके बाद कोई फल होगा, ऐसे लाइन पूरा होता था। तो इस प्रकार से एक अलग उसका वातावरण बन जाता था और पूरे हॉल में ऐसे लोग शांति से बैठे थे, एकदम जैसे कोई तपस्या हो रहे, और वो राखी के गीत बजते बजता था पूरा की पूरा। तो करीब करीब हमारा वो जो प्रोग्राम होता था 2-2 घंटा होता था। फिर उस दिन क्या होता था, जो दादी को राखी बांधते थे पूरा ऐसे पूरा की पूरा ऐसे दोनों हाथों में राखियां होती थी, फिर ऐसे पूरा राखी, फिर दादी छोड़ती नहीं थी वो राखियों को, राखी ऐसे बांध के दादी किचन में आती थी, और क्योंकि भोली दादी किचन में होती थी तो भोली दादी तो बहुत कम आती थी बड़े फंक्शन में, या तो वहां से दादी बड़े भंडारे में आती थी, भोली दादी के पास आती थी और भोली दादी को दिखाती थी, देखो भोली देखो राखी देखो मेरी बाबा ने, मेरे बाबा ने कितनी राखी बांधी मुझे। तो जैसे छोटा बच्चा नहीं ऐसे माँ को दिखाता है, ऐसे प्रकाशमणि दादी भोली दादी को दिखाती थी। तो इस प्रकार से एक चीज बन जाती, माहौल बन जाता था कि राखी का त्योहार बहुत बड़ी मतलब हमारा त्योहार के रूप में मनाया जाता था और सभी लोग तपस्या करते थे। हमें याद है जब हमारे संत सम्मेलन था या मधुबन पांडव वन में संत, तो बड़े बड़े महात्मा लोग आए थे, मतलब शंकराचार्य और उससे महामंडलेश्वर, ऐसे करीब करीब 200 लोग, पूरा जैसे गेरवा बन गया था, पूरा मधुबन गेरवाधारी बने थे। तो दादी कैसे पालना देती थी, तो दादी ने पहले दिन तो दो चार चेले होते बड़े, उनके अंदर मतलब थोड़ा अहंकार टाइप भी होता है कि भाई हम फलाने मठ के ये है फलाने। तो पहले दिन जब आए तो उनका स्वागत होगा, रिसेप्शन हो गया, फिर उस शाम को रात को मतलब सब लोग भोजन भजन करने के बाद, और उस समय सुखदाम बना था नया नया, तो दादी जी ने मैसेज भेजा कि दादी जी सबको गुड नाइट करने आ रहे। तो दादी जी गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमन दादी, जानकी दादी, 7-8 दादियां सुखदाम गई, सब जो महात्माओं के पास गई, और महात्माओं के पास जाके उनकी खुशहाली पूछी, आप कैसे हो, ठीक है, देखो बाबा का घर तो छोटा है, आपको सारी सुविधा तो नहीं मिल रही है। और फिर दूसरे दिन फिर दादी उनको सबको राखी बांधती थी। जब राखी बांधती थी तो सब लोग बोलते थे, मेरी बहन, दादी मेरी माँ है, दादी मेरी बहन है, तो एकदम चेंज हो जाता था। फिर कोई लोग ये नहीं बोलते थे कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको वो चाहिए, बोलते भाई हम बहन के घर में आए, बहन के घर में जैसे रहना है, जो खिलाएगी जो पिलाएगी वो खाएंगे। नहीं तो जो महात्मा लोग होते तो देशी घी की पूरी फलाना, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट होता था उनका भोजन का, लेकिन जब दादी राखी बांधती थी तो एकदम शांत होते थे सब लोग, जैसे दादी कहे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बारे में जितना सुना है, कितना टाइम तो आपके पास बहुत कम है, लेकिन दादी के जो बातें हैं वो बहुत मतलब प्रैक्टिकल चीजें मैंने देखा कि एक दादी जैसे माँ है ना, तो माँ की पालना देती थी। एक बार क्या हुआ पता है, हमारे दादी को देखा कि अमृत वाला लोग कम नजर, तो दादी जी सुबह ही 4:15 एक भाई को लिया और वहां से सीधा जो हम लाइट हाउस था तो उसमें आ गई, सबके कमरे में देखा कौन सोया है कौन सोया है, देखा तो क्या हुआ, एक खटिया पे एक बंदा सोया था।
तो दूसरे दिन दादी जी ने क्लास में बोला कि उसका नाम पाठक भाई था, पाठक भाई आज अमृत वेला तो आप आए नहीं। तो वो पाठक भाई ने कहा, दादी मैं तो आपके सामने तो बैठा था, तो फिर तुम्हारे खटे में कौन सोया था? तो बोलता है, दादी वो जो दूसरा भाई एक रात को बहुत मतलब देरी से आया था अहमदाबाद से, तो उसको पता है कि मुझे कोई उठाएगा, मेरे खटिया पे आके सो गया था करके। तो सारे क्लास में इतने लोग हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे कि मेरे को कोई जगह ही नहीं, इसलिए उसके खटिया पे जाके सो, ऐसा नहीं करने का, क्योंकि वो अमृत वेला किया तो भी उसके एब्सेंट भी जैसा हो गया था। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, हमारे एक भाई को है ना, वो बाल बाल काटने के लिए इशू दादी ने 5 रुपए दिया। तो भाई वो मार्केट गया तो उसका मन बदल गया। तो बोलते यार क्या बाल काटना है, थोड़ा केला ले लेते। तो उसने केले लिए। तो उस समय यज्ञ में बहुत मतलब गरीबी भी थी, बोला इतनी अमीरी नहीं थी। तो उसने कहा बाल क्या छोड़ो, एक थोड़ा केले ले। तो उसने एक डजन कुछ आधा डजन केले लिए और आया, और कमरे में वो कमरे वालों ने केले खाए। अब केले खाए तो क्या हुआ, वो केले के छिलके ना डस्टबिन में डाल दिए। तो एक भाई ने वो केले के छिलके उठा के प्लास्टिक में डाल के, वहां दीदी और दादी थे, दादी ये देखो इन्होंने क्या किया करके। बोलते बाल काटने के लिए पैसा लेके गए और केला लेके आए। तो दादी एक बार क्लास हुआ तो क्लास में बात निकली, भाई देखो हमारे पांडव बहुत होशियार है। बोले क्या करते हैं, बाल काटने के लिए पैसा ले जाते और केला खा लेते। तो क्लास में इतने जोर से लोग हंस रहे थे, इतने लोग हंस रहे थे कि देखो बाबा मतलब कैसे, बाबा के नटखट बच्चे कैसे होते। तो ऐसे हमने देखा कि जब अकाल पड़ा था यहाँ मधुबन में, अकाल पड़ा था तो यहाँ के SDM साहब ये सब आए। दादी को बोला, दादी आपका तो इतना संगठन है, जो नकीलक सूख गया है ना उसको आप मदद करो खुदाई करने की। तो दादी ना क्यों नहीं, हमें तो पानी की जरूरत होती है, बाबू के लिए तो जरूरत होती है पानी की, तो दादी भी आएगी। तो कमाल है, फिर दादी ने सुबह क्लास में अनाउंसमेंट किया, चलो बोलो कौन आएगा नक्की झील खोदने के लिए। तो सब ने हाथ, बोला दादी भी आएगी। जब दादी वहां आई नक्की झील में खुदाई करना शुरू किया, तगारी उठाना, तो वहां के जो सारे ऑफिसर एकदम देख के दंग हो गए, वो भी काम करना शुरू कर दिए। तो ये दादी के अंदर ये विशेषता थी, ये कला थी, दादी खुद आके सामने आके ये बातें सिखाती थी, मुझे आता है। और दादी के पर इतना मतलब जो कुछ होता था ना दादी के लिए सब देते थे। मुझे याद है जब हमारे पास हमारी माता जी आए, माता जी ने कहा देखो ये जो मेरे पास जितना भी सोना है वो सबको मुझे एक एक चीज बना के देना है। तो उन्होंने क्या किया, दादी के लिए चेन बनाए, दूसरी दादी के लिए, फिर हम लोगों के लिए जो बच्चे थे उनके लिए, फिर दादी को दिया। तो दादी के गले में है ना वो चेन डाल दिया, माता जी ने क्लास के बाद चेन डाल दिया। तो चेन डाल दिया तो दादी भूल गई, चेन निकालना ही भूल गई। तो जब रात का क्लास था हमारा दादी का, तो क्लास था तो दादी बार बार ऐसे ऐसे करे, दादी ऐसे ऐसे करे, पता नहीं खुजली क्यों हो रही है ऐसे, दादी भूल गई वो चेन नहीं पड़ी है। तो बाद में दादी के हाथ में, अरे ये तो सोने की चेन है, बार बार खुजली हो रही है, मुझे पता ही नहीं। फिर बोला अच्छा वो सुबह वो सुभाष की माँ है ना, उसने वो चेन डाली, मैं भूली गई निकालना, ऐसी पड़ी है। और सारा दिन मैं सोचा क्या हो रहा है, क्यों खुजली हो रही, क्यों, दादी तो आदत नहीं थी सोने की चेन पहनने की। तो ये दादी जैसे हम बच्चों को, हम सभी को इस प्रकार से फ्रीली, जैसे माँ बच्चे और परिवार के रूप में, मैं एकदम छोटा था तो उस समय अचानक अकाल पड़ा था, तो कहा कि अभी इसकी जो मधुबन निवासी को एक एक बस बाहर भेजेंगे घूमने के लिए। अब मैं नया था तो भी मुझे चांस मिल गया, मुझे करीब करीब 50 लोग जाते थे तो उसमें मुझे भी चांस मिला। तो दादी ने खास मुझे कान में कहा, अच्छा
इधर उधर नहीं जाना, संगठन के साथ रहना, नहीं तो गुम हो जाओगे, ऐसा करके मतलब छोटे बच्चों को भी कैसे पालना देती थी। ये हमने विशेषता दादी की देखी। तो ये जो राखी थी, राखी मेरे जीवन के लिए बहुत यादगार दिन था, यादगार है, क्योंकि इसी समय यही जो राखी है वो मुझे समर्पित बनाने के निमित्त बनी है। इसी राखी ने मुझे समर्पित किया और यही मेरे बहुत बड़ा दिन है। तो आज हेमा बहन, ओम शांति। और क्या सुनना है? और सबको किसी को कुछ प्रश्न है तो भाई साहब से पूछिएगा, नहीं तो भाई साहब हमें पावरफुल दृष्टि दे करके अब भाई साहब हमें योग कराएंगे, है ना? किसी को प्रश्न है तो एक दो पूछ सकते हो, वैसे समय तो हो ही गया है क्योंकि न्यूयॉर्क वालों के लिए तो देरी हो जाती है ना फिर, क्योंकि सारे अमेरिका के लोग यहाँ बैठे हैं ना, इसलिए तो पूछना है। देखो कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं आपके, सब बात समझ गए ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। सब सुनते नहीं है, सब धारणा भी करते हैं ये सभी। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। जो मैं एक अभ्यास करता, जब मैं मुझे कैंसर हुआ था 2008 में, तो उस समय मैं एक बहुत अच्छा अभ्यास करता था और उस अभ्यास से मुझे बहुत फायदा हुआ और वो हम हर बीमारी में उसको यूज कर सकते। तो वो अभ्यास मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा सिंपल, जैसे कि मेरे ऊपर जैसे बाबा है, शिव बाबा है, और शिव बाबा से रेज आ रही है मेरे ऊपर, शिव बाबा की मेरे ऊपर रेज आ रही है। और रेज जैसे यहां से शुरू होता है, यहां से धीरे धीरे ब्रेन, फिर आत्मा, आंखें और मुंह, फिर दोनों हाथों में, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर। तो ये जो कलर है उसका यह अनुभव करना, ये कलर है ब्लू वायलेट। इसका कलर क्या है? ब्लू वायलेट कलर है। तो धीरे धीरे पूरे शरीर मेरा ब्लू वायलेट हो रहा है। फिर ऐसा अनुभव करना कि मेरे शरीर के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है, जो निगेटिव जर्म्स है, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे, जल के भस्म हो रहा है। ये अनुभव करना। फिर लास्ट में ये अनुभव करना कि मेरा शरीर एकदम निरोगी है, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, मैं एकदम कंचन काया, एकदम क्लीन, एकदम प्योर शरीर है। तो ये अनुभव करना। फिर जब हम प्योर हो गया तो ऐसा अनुभव करना कि मेरे शरीर से आत्मा धीरे 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 परम धाम की तरफ जा रहे, परम धाम जाके बाबा को टे। बाबा भी पावरफुल और मैं भी पावरफुल, मैं भी शक्तिशाली, बाबा भी शक्तिशाली, फिर दोनों शक्तिशाली आत्मा, इतना पावर बाबा और हमको पावर दे रहा है, ये शक्ति का अनुभव करना। ठीक है, समझ में आया क्या करना? तो चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको बताता भी जाऊंगा, उस प्रकार से आप करते भी जाना। ठीक है ना? बाबा, मेरे ऊपर एकदम पावरफुल लाइट दे रहे हैं। धीरे धीरे ब्रेन ब्लू वायलेट होता जा रहा है। आंखें, कान, मुंह धीरे धीरे ब्लू वायलेट होता जा रहा है। धीरे धीरे लाइट आगे बढ़ते, छाती में, दोनों कंधों में, पेट में, दोनों टांगों में,
अब मेरा पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो गया। मेरे शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस लाइट से भस्म होती जा रही है। शरीर के अंदर जो नेगेटिव जर्म्स है, किसी रोग के जर्म्स है, वो भी जल के भस्म हो रहे हैं। मेरा शरीर प्योर होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। साथ साथ मेरी आत्मा वो भी प्योर होती जा रही है, पावरफुल होती जा रही है। अब मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ है, इसके अंदर कोई भी बीमारी मेरे आत्मा में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं, एकदम प्योर। एकदम शरीर और आत्मा दोनों शक्तिशाली, दोनों प्योर। अब हम धीरे धीरे इस ब्रुकुटी से आत्मा ऊपर की ओर जा रही है। धीरे धीरे ये चमकती हुई आत्मा साकार वतन को पार करते हुए ऐसा अनुभव करो कि हमें चांद सूरज उसके भी ऊपर जा रहे हैं। जहां सूक्ष्म वतन है वहां सारे लाइट ही लाइट के शरीर है, उससे भी पार करते हुए हम परम धाम जहां चारों तरफ लाइट ही लाइट और उसमें ये जो गोल्डन कलर की हमारी आत्माएं स्टार के रूप में चारों तरफ घूम रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम के टॉप में जहाँ शिव बाबा बैठे हैं उसको टच कर रही हूँ। जैसे बाबा को टच करते हैं बाबा शांति का सागर मुझे आत्मा को शांति से भरपूर कर रहा है। एकदम पीसफुल पूरा शांति का साम्राज्य मैं आत्मा शांत स्वरूप। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम में चक्कर लगा रही हूँ, दूसरे स्टार के साथ भी मिल रही हूँ।
धीरे धीरे घूमते घूमते फिर बाबा आपको टच करते हैं। इस बार बाबा से हम आनंद आनंद से भरपूर हैप्पीनेस से भरपूर हो रहे हैं। बाबा आपके पास आनंद का भंडार है जिससे मुझे आत्मा को टच होता है, मैं आत्मा बहुत आनंदित होती जा रही हूं। इस प्रकार एक एक शक्ति एक एक गुण बाबा से लेते रहो और परम धाम के चक्कर लगाते रहो तो लंबा समय हम बाबा के पास बैठ सकते हैं। बाबा को शुक्रिया करते हुए हम परम धाम से सूक्ष्म वतन की तरफ रवाना होते हैं। सूक्ष्म वतन में पूरे लाइट के शरीर बाबा दादिया सब हमें नजर आ रही है। सभी को धन्यवाद करते हुए हम अब साकार वतन की ओर धीरे धीरे नीचे अपनी सीट पर विराजमान है। इस प्रकार जब भी मौका मिले अपने आप को एकदम शुद्ध बना के बाबा को मिलने जाओ तो आपको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे, आपको बहुत शक्तियां मिलेगी। अब हम अपने निवास स्थान अपने ब्रुकुटी में विराजमान होते हैं और बाबा को सच्चे दिल से शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।